हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया प्रैक्टिकल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल के बारे में। अब जो आप सरसों का तेल देखते हैं, वो सरसों का तेल एक्चुअली में निकलता कैसे है? आप लोग किराने की दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं या ऑर्डर करते हैं, आपके पास डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन उसका जो निकलने का प्रोसेस रहता है, आज हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आप एक पर्टिकुलर मशीन देख रहे हैं, ये एक मशीन है स्पेलर, जिसका नाम है। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एक प्रोसेस है, ये एक मोटर है अपना, 10 हॉर्स पावर का है। इस मोटर से बिजली जनरेट होती है, बिजली के द्वारा ये जनरेट होता है, देन बेल्ट ड्राइव के माध्यम से ये जो इसका जो पूरा पावर है इसमें आता है। इसके बाद ये पावर इसमें आते हुए और ये अपना स्पेलर में आता है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद अब होता क्या है, अपने पास इसमें होता है रॉ मटेरियल। एक पर्टिकुलर फिक्स रहता है, रेट रहता है कि आपको इतना रॉ मटेरियल इसमें जाना है। एक घंटे में करीबन ये एक मन, मतलब कि 40 से 45 किलो के अराउंड ये माल निकाल देता है, और 5 केजी में करीबन 2.5 से 3 लीटर तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। जिस 3 लीटर की कीमत जो होती है करीबन करीबन, आप मान चलिए अगर 100 रुपीज़ है तो 350 रुपये 300 के आसपास कीमत इसकी है। अब ये अराउंड स्टार्ट कैसे होता है, कितनी बिजली चाहिए, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसी के जरिए से ये मोटर स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं ये स्टार्टर है, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल में पानी मिलाएंगे, देन उसके बाद ये अपना पूरा प्रोसेस होगा। सबसे पहले इस मशीन को या स्पेलर को, जो अपना ये पूरा पार्ट है, इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं अंदर, इसको बरम बोलते हैं। ये जो पूरा एक पार्ट है, ये अपना पूरा चैम्बर रहता है। इस चैम्बर के अंदर ये पूरा रॉ मटेरियल इसमें डालेंगे, इसके घूमने के बाद ये इसमें आएगा, और इससे जाते हुए ये पूरा मटेरियल अपना यहाँ निकलेगा, जो यहाँ से फिर ये वेस्ट पदार्थ निकलता है, जो पूरा उसका माल बचता है, खरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जानवरों के बाद में खाने के काम आता है। अब इसमें हम पूरा इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इसको गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद जो पूरा हम इसमें माल देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें 2 तरीके का ऑयल निकलता है, एक होता है सरसों का, एक होता है अलसी का, एक तिली का भी निकलता है, जो लोग खाने काम आते हैं। अब सरसों का जो तेल रहता है उसको हम लाही, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है अपना लाही है, इसको सरसों बोलते हैं एक्चुअल में हम लोग। देन अलसी भी देखते हैं, डरखा से डलना है, ये हमारे यहाँ पर जो काम करते हैं इन्हीं की चक्की है, और इन्हीं का पूरा प्रोसेस है। इसमें सावधानियाँ बहुत जरूरी हैं, ना तो आपके पास कोई टॉवल होना चाहिए, ना इनके हाथों में कुछ होना चाहिए, आप देख सकते हैं इनके हाथ बिल्कुल फिनिश हैं। सावधानी बहुत ज़रूरत है इसमें, और करीबन करीबन इनको 15 साल का अनुभव है चक्की चलाने का, प्लस ये जो स्टार्टिंग में आई थी तो कितनी का है, अब ये जब स्टार्टिंग में इसका जो प्राइस था वो 35,000 था, मतलब 35,000 रुपए। आज की डेट में इसका जो प्राइस है वो 2 लाख के आसपास है करीबन। ये जो इसका प्राइस है, आप देख सकते हैं कितने गुना इंक्रीज हुआ है। प्लस ये जो कंपनी है, इसके लीगो कंपनी का है, बहुत 15 साल से काम होता इसमें हो गया, प्लस इनने दूसरे से लिया था सेकेंड हैंड, जो इसके स्टार्टिंग कीमत थी वो करीबन और कम थी, लेकिन आते 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 ये इसकी कीमत आज 2 लाख रुपए हो गई है। प्लस आज की डेट में ऐसा स्पेलर नहीं है, ये पुराना मॉडल है, बहुत लोहा लाट है, 2-3 टन से ज्यादा, 1 टन का आसपास होगा, ज्यादा नहीं, 1 टन के आसपास का इसका वजन है, वेट है। प्लस ये लीको कंपनी का है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, गर्म कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल डालते हैं इस पे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये स्टार्टर है, ये बहुत सावधानी बरतते हुए इसमें काम करना है, ठीक है? तो सावधानी बहुत जरूरत है, आपको इसको प्रेस करना है, ये स्टॉपर है इसका, जब अपने को बंद करना है तब इसको हम प्रेस करते हैं। अभी सिंपली आपको पकड़ना है और इसको ऊपर कर देना है, ये
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस है। ये यहाँ से निकलता है, देन ये मटेरियल आता है अपने पास, उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये है खड़ी बोलते हैं इसको। अब इसको दोबारा से डाला जाएगा पूरा मटेरियल को, देन ये मटेरियल पूरा यहाँ से जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसका पूरा जो रॉ मटेरियल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका पूरा जो ऑयल है, ऑयल निकलता है मस्टर्ड ऑयल है। देन इसके बाद हम इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी से इसमें काम करना है। आप आसानी से जो आपको ऑयल प्राप्त हो जाता है, आप उसके पीछे उसकी मेहनत को देखिए। यहाँ से पूरा माल नीचे आता है, देन इस बाल्टी में, उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है, देन ये आपको सेल किया जाता है, फिर आपको आसानी से किराने में प्राप्त हो जाता है। आप ये जो मॉडल देख रहे हैं ये लीको का है, काफ़ी पुराना मॉडल है, आज से 20 से 25 साल पहले का है। ये पूरा इसका सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। देन ये तराजू है, देन दिस इज ये प्रोसेस पूरा, ये आप इसी के अंदर गजन पेन होता है, ये इससे जो काम करते हैं वर्कर हैं इन्हीं की पूरी ये है, ऑनर भी यही है। देन दिस प्रोसेस बेस्ट एंड देन आयल ट्रैप। ओके फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं ये पूरा जो प्रोसेस है चक्की का है, ये पूरा बेल्ट ड्राइव के माध्यम से मीडियम से मोटर से जो पूरा हमारा पावर है वो इस बेल्ट ड्राइव में आता है। देन पुली से आने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके जो पावर है वो जनरेट होने के बाद हमारी जो चक्की है इस पर आता है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा माल अभी इसका फिनिश हो चुका है, और ये माल के बाद ये आटा इस तरीके से प्रोसेस आ चुका है।